आ गए खेत से? हाँ आ गया, थोड़ी सी चाय बना दे। चाय बाद में पीना, पहले मेरी बात सुनो। तेरी बातें सुन सुन के मैं बूढ़ा हो गया, सुना है? वो लाला आया था तुम्हारे लाडले की शिकायत लेकर, रोज कुछ ना कुछ ले आता है और पैसे भी नहीं देता। उसके रोजाना के उड़ाने सुन सुन के हमारे तो कान भी पक गए। राकेश कर दो, बाकी सार दूध पी लो। अच्छा स्कूल से आ जाए तो समझा देना। समझा तो बहुत दिया, आने दे साले की उसकी टांगे तोड़ता। और एक ये भी तो हमारा बेटा है, दिन भर काम करता है। और एक वो है निखट्टू, पता नहीं किसका खून है। क्या कहा? मेरा मतलब है कि उसका कैसा खून है। अब कहाँ है वो? वही स्कूल में होगा। अच्छा बे तू काम हिला देख और तू चाय बना के लेगा। ओ सुनिए इधर लाड साहब। हाँ पिताजी। तू ये शर्म ना आती के ज्यादा उड़ाने लेके आवे, ज्यादा किसन बन के दिखावे से? क्यों मैं किसी नातियों के कपड़े उठाकर भाग गया? वो लाला आया था उलाना लेके, तने क्यों इतना दुखी कर रखा है? वो मैंने ना दुखी कर रखा, वो तो मेरा नाम राशि मनोज दूसरा, मैं ना हूँ। अच्छा तो तू अपना इल्जाम उस दूसरे मनोज पे लगाने की कोशिश कर रहा है? कोशिश ना कई बार लग भी गया। परसों मेरी साइकिल से एक लड़की टकरा गई, उसका बाप उसे दूसरे घर मनोज जाकर पिटाई करके आया था। बेटा तू एक ना एक दिन हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। हाँ एक दिन ये पूरा डकैत बनेगा, डकैत, और पुलिस वाले इसके पीछे पीछे होंगे और टेलीविजनों में अखबारों में हमारा तीसरे दिन नाम आया करेगा। अरे दुनिया सामान उठाते मार घर में। मैंने क्या किसकी भैंस खोल दी? लाल आया तो लाना लेकर। तने देखा लाला का सामान उठाता मैं? लाला के तो जिस दिन दो लग जाएंगे ठीक हो जाएगा। अच्छा तू लाला के मारेगा? लाला लायक मारने छोड़ेंगे जभी तो मारेगा। अरे पकड़ी इसे, छोड़ दो। अरे पकड़ी इसे, छोड़ दो मुझे। एक बार खोल दो फिर बताऊंगा तुम्हें। तन्ने हमारा मीठा मीठा खून सारा चूस लिया। छोड़ दो मुझे, नहीं तो देख लिया फिर। एक बार जो खोल गया ना फिर बताऊंगा तुम्हें। नहीं बड़ा रहा चुपचाप। और सुनो मेरी बात, जिसने भी इसे खोला उसके खाल उधेड़ दूंगा। चल रहे मितोड़े पे तिरपाल ढक क्या, मैं जा रहा हूँ खेत पे। रे कहाँ है, रे कोई है, रे कहाँ है ये थारा पूत? अरे भाई क्यों गरम हो रहे हो तुम? गरम होने की तो बात है, उस हीरो को समझा दियो मेरी बेटी से निंदा चुंदा बंद कर दे, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी बेटी के साथ ये आप क्या कर रहे हैं? हमारा लड़का ऐसा ना है। अच्छा ऐसा ना है, वहाँ बेटे ने खुद अपनी आंखों से देखा। हाँ हाँ समझा देंगे। देख ये मेरी आखिरी चेतावनी है, अगर तेरा बेटा मेरी बेटी की तरफ नजर भी आया या उससे मिलने की कोशिश भी की तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर हमारी इज्जत से खेलने की कोशिश की तो हम उसे जान से मार देंगे। मेरी भी एक बात कान खोल के सुन लो, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर तेरी बेटी मेरे इधर आए तो हम उसमें गोली मार देंगे। भाग देना, हमने अपनी बेटी का घर से आना जाना बंद कर दिया। अगर हमारी इज्जत से खेलने की कोशिश की तो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, समझा देना। हाँ भाई कहाँ से आ रहा है लार साहब? वो खेतों में से आ रहा मैं। हाँ भाई ये सब कौन है? पिताजी वो बोलता क्यों नहीं तू, हमें जेल दे नहीं? मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैं उससे प्यारी तो करता हूँ। मेरी बात गौर से सुन, उसका नाम जुबान तक नहीं आना चाहिए, उसे भूल जा। मैं उसको नहीं भूल सकता, मैं उसी से शादी करूँगा।
पिताजी ऐसे नहीं, मैंने टांग तोड़ दो। अरे ऐसा उसमें क्या है बेटा, भूल जा नहीं तो नाश हो जाएगा। मैं उसको नहीं भूल सकता। ऐसे नहीं मानेगा तू। छोड़ दो। ए मरण दे साले को। मनु तू यहाँ क्यों आया? मनु सब्बो, मैं यहाँ पर खुद नहीं आया, तेरा प्यार मुझे खींच लाया। आशिक के बच्चे, यहाँ आशिकी कहीं ना आया, अभी उतारता हूँ तेरा नशा। दिया मेरी दराती। चलो चाचा, दराती चलानी है तो मुझ पर चलाओ, इस पर दराती चलाने से पहले मुझ पर चलाओ। मुझे तेरी भी परवाह नहीं, मार इसे। या अल्लाह, रहम कर रहम, छोड़ दो मेरे मन्नू को। ये क्या हो रहा है? आ गए तुम, देख अपने बेटे की करतूत, पूछ इससे ये यहाँ क्या करने आया है। अगर इसकी ये हिम्मत है, साले में गोली मैं मारूंगा। हाँ हाँ, मार दो इसको गोली, और मुझे भी मार दो। जब मेरा बेटा ही नहीं रहेगा तो मैं जी के क्या करूंगी। तुम हट जाओ आगे से, तुम्हें नहीं पता इसने क्या किया है। क्या किया इसने? कोई चोरी तो नहीं की, कोई डकैती तो नहीं डाली, बस प्यार किया इस लड़की से। प्यार करना जुर्म है क्या? हाँ हाँ, इसने जुर्म किया है। अगर इसे प्यार करना है तो अपनी जाति से करता, दूसरी जाति से क्या मतलब है। ये जात पात हम लोगों की बनाई हुई है, किसी ईश्वर या अल्लाह ने तो नहीं बनाई। हाँ पिताजी, बात बिल्कुल ठीक कह रही है, अब तो मान जाओ सब और मनु का प्यार कबूल कर लो। तुम हट जाओ आगे से। जमालो भाई, ये बात है, तुम अपनी बेटी को मारो, मैं अपने बेटे को खुद मारता हूँ। रुको, मामला यही खत्म नहीं हुआ। इस दुनिया में पहले भी कई हजार लाख लोगों ने प्यार किया है, और प्यार तो खुदा की देन है। शब्बो मन्नू को मार भी दोगे तो क्या हुआ, कल फिर शब्बो और मन्नू पैदा होंगे। किस किस को मारोगे तुम? मास्टर जी, तुम नहीं जानते हो, इसने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। रुको और याद करो, एक दिन मैंने तुम पे एक एहसान किया था, और तुमने कहा था इस एहसान के बदले जान भी मांगोगे तो जान भी दे देंगे हम। मुझे याद है मास्टर जी, तुमने मुझ पे एक एहसान किया था। मांगो क्या मांगते हो, इस एहसान के बदले मैं अपनी जान भी दे दूंगा। तुम्हें मारकर भला मुझे क्या मिलेगा? तुम एक काम करो, इस लड़की को मेरी झोली में डाल दो, मेरे घर में कोई बेटी नहीं है। नो मास्टर जी, आज से ये शबनम तुम्हारी हुई। ठीक है, आज से शबनम पर मेरा अधिकार है, आज से शबनम मेरी बेटी है। ठीक है भाइयों, आज से मैं शबनम का हाथ आप सभी के सामने मनोज के हाथ में देता हूँ। जब ऐसी ही सबकी मर्जी है मास्टर जी, जो खुदा को मंजूर वो मुझे मंजूर। ठीक है मास्टर जी, जो तुमने फैसला कर दिया वो ठीक है, लेकिन ये शादी हम बालिग होने पर ही करेंगे इनकी।